जैन सभी को, आज मैं रिवर्स पढ़ाने से पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सपोज आप जब भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि मतलब जिससे आपका जो प्रोग्राम है कभी कभार क्रैश हो जाता है, तो उसके लिए बहुत छोटी सी टिप है। जैसे आपने मेन में कोई भी फंक्शन आप बनाते हो तो उसके लिए, जैसे आपने मान लो मेन में कोई भी फंक्शन बनाया, तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। सपोज जैसे मैंने मेन में कोई फंक्शन बना, मतलब आपने पहले से कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रखे होंगे, तो आपने मेन में अगर कोई फंक्शन कॉल करे, सपोज डिवीजन से रिलेटेड ले लेते हैं, मैं इस चीज़ का, मैं इसका एक कोड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि डिवीजन जो परफॉर्म करते हैं इसका जो एक कोड है मेन्यू ड्रिवन, जिसमें मैंने फंक्शंस का यूज़ कर रखा है, तो मैं इसको वो शेयर भी कर दूंगा। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, प्रोसेस तो मैंने आपको सब समझा रखा है। तो जैसे मान लो अगर कोई भी फंक्शन, जैसे अगर आपका ना वो कर रहा है, जैसे आपकी जो स्टार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट जो फंक्शन है अगर कहीं पे भी इसका मैनिपुलेशन हो रहा है ना, तो उस फंक्शन को वॉइड से कभी भी मत वो करो। कहने का मतलब ये है, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है, मान लो मैंने ऐसा कोई फंक्शन बना रखा है और मैं उसमें सिंपल से क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टार्ट आ रखा है, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसे पॉइंटर दे दूँगा इसका, किया एंड सपोजिबली आई कैन राइट इट एज पॉइंटर इक्वल्स टू स्टार्ट एंड हियर आई कैन राइट माय स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, एंड फ्री पीटीआर and then return start, हो गया। अब मान लो मेरा इसको मैंने कहीं main function से call लगाई होगी int main से, या फिर मैंने पहले से declare कर रखा होगा struct node start, मैंने वही same process कर रखा है, इसका input वगैरह मैंने सब कुछ पहले से ले रखा है, ठीक है, फिर मैंने ये वाला फंक्शन को कॉल लगाया होगा, तो एक चीज हमेशा देखना, स्टार्ट इक्वल्स टू डिलीट स्टार्ट, डिलीट अंडरस्कोर स्टार्ट स्टार्ट। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि चलो एक ये हो गया, अब जब भी मतलब स्टार्ट को मॉडिफाई करो, मान लो अब जब भी स्टार्ट को मॉडिफाई करो ना किसी भी फंक्शन में, तो उसका जो नया मॉडिफाई हुआ है, मान लो जैसे कि यहाँ पे जो स्टार्ट है वो एक कदम आगे बढ़ गया है और जो पहला वाला है वो डिलीट हो चुका है, तो हमेशा स्टार्ट को रिटर्न करा दो उस फंक्शन से, मतलब स्टार्ट की जो पोजीशन है वो रिटर्न करा दो, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट रीजन, पर लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लो आप बोल सकते हो कि यार मैं इसको ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं इसे वॉइड क्यों नहीं कर दे रहा, मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, अगर मैं वॉइड कर रहा था तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो रही थी, लाइक गार्बेज प्रिंट हो रहा था, काफ़ी सारा गार्बेज प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब स्टार्ट पोजीशन मॉडिफाई कर देते हो ना, तो वो पोजीशन मतलब मेरे ख्याल से कुछ डैंगलिंग पॉइंटर बन जाता है, या फिर मतलब काफ़ी सारा कंसोल भी गार्बेज प्रिंट हो रहा था, पर लेकिन तो मैंने फिर उसी को थोड़ा सा मैंने ये मॉडिफाई करके देखा था कि अगर वॉइड की जगह struct node start use करता हूँ ऐसे करके, और start की position जब modify हो रही है तो उस जगह मैं start को return भी करा देता हूँ, तो मेरा जो program है वो बहुत बिना किसी problem के चल रहा है। तो कहने का मतलब मेरी tip का मतलब ये कि जब भी आप इनके साथ work करो तो हमेशा start को return करा दो उस function से, इससे क्या होता है एक insurance रहती है कि जो start है वो reserved है एक ही जगह पे, और अगर modify हो रहा है तब भी reserved है, ठीक है, और बाकी आप पढ़ लेंगे ना कि जैसे आपको मान लो बाकी अगर कोई मॉडिफाई करने हो, मतलब मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है, लास्ट का एलिमेंट डिलीट करना है, तब आप वॉइड फंक्शन यूज़ कर सकते हो, या चाहे फिर आप ये वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। इसके रिलेटेड जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है फंक्शंस के साथ वाला, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है डिलीशन के, जैसे जैसे मैं आपको समझा रखे हैं, ठीक है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग पे, उसे आप और अदर तरीके से करने का ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आप रिकर्शन से भी ट्राई कर सकते हो कि आप रिकर्शन से कैसे प्रोग्राम करेंगे,
एक आध प्रोग्राम में आपको रिकर्शन के थ्रू बता दूंगा कैसे करते हैं, बाकी आप इन सारे मेथड्स को भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.